आज हम परफेक्ट माप और इजी टिप्स के साथ बाहर से क्रिस्पी और खाने में सॉफ्ट ऐसे फराली डोसा बनाएंगे, जिसे आप व्रत या उपवास में आसानी से बना के खा सकते हैं। साथ ही फराली आलू की स्टफिंग और चटनी भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करें। फराली डोसा बनाने के लिए एक मिक्सिंग बाउल में एक कप सामा लेंगे, इसे कई लोग व्रत के चावल भी कहते हैं। डोसे को क्रिस्पी बनाने के लिए हाफ कप साबूदाना लेंगे, 2 से 3 बार अच्छी तरह से वॉश करेंगे। पानी ऐड करके इसे 4 से 5 घंटे तक बिकने के लिए रखेंगे। 4 से 5 घंटों में सामा और साबूदाना अच्छी तरह से बिक के तैयार है। साबूदाना भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। इसमें से पानी निकाल के मिक्सर जार में शिफ्ट करेंगे। हाफ कप जितना दही ऐड करेंगे, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और बिना पानी ऐड किए हुए इसे स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कुछ इस तरह से स्मूथ ग्राइंड कर लेंगे। बैटर को एक बाउल में शिफ्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी पोरिंग होनी चाहिए। अगर आपका बैटर गाढ़ा है तो थोड़ा पानी ऐड करें। यहाँ पे हमें एक ही बात का ध्यान रखना है कि बैटर को ग्राइंड करते हुए हमें पहले से ही पानी ऐड नहीं करना है। इसे ढककर आधे घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रखेंगे। बैटर जब तक रेस्ट हो रहा है तब तक हम डोसे के लिए स्टफिंग और चटनी बनाएंगे। एक पैन में 1 टेबल स्पून जितना तेल गरम करेंगे, 1/2 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे, 1/2 टीस्पून तिल ऐड करेंगे, 1 टीस्पून बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे। सभी चीजों को अच्छी तरह से सौते कर लेंगे। 1/4 टीस्पून बारीक कटी हुई अदरक ऐड करेंगे। उबले हुए आलू के पीसेस ऐड करेंगे। 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे। टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। दो टेबल स्पून हल्का सा दरदरा मूंगफली का पाउडर ऐड करेंगे। मूंगफली का पाउडर ऐड करने से सब्जी में बहुत ही बढ़िया क्रंची और नट्टी टेस्ट आता है। 1 टेबल स्पून डेसिकेटेड कोकोनट ऐड करेंगे। 1 टीस्पून लेमन जूस ऐड करेंगे। लास्ट में गैस की फ्लेम ऑफ करके हरा धनिया ऐड करेंगे और सभी चीजों को मिक्स कर लेंगे। फराली चटनी बनाने के लिए एक मिक्सर जार में 1/4 कप जितने रोस्टेड मूंगफली के दाने ऐड करेंगे। हरी मिर्च ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून अदरक, 1/4 टीस्पून जीरा, टेस्ट अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे, 1/4 कप जितना हरा धनिया ऐड करेंगे, 1/4 कप दही ऐड करेंगे। इसकी फाइन चटनी बना लेंगे। चटनी का टेस्ट एनहेंस करने के लिए इसके ऊपर तड़का डालेंगे। एक पैन में 1 टीस्पून तेल गरम करेंगे, 1/4 टीस्पून तिल ऐड करेंगे, कुछ करी पत्ते ऐड करेंगे। तड़के को चटनी के ऊपर डालेंगे। फराली चटनी बनके तैयार है, इसे साइड में रखेंगे। बैटर को चेक कर लेंगे। अगर आपके पास टाइम हो तो इसे 3 से 4 घंटे तक फर्मेंट होने के लिए रखें। पर आज हम फराली डोसे को झटपट से बनाएंगे, इसलिए इसमें 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। बेकिंग सोडा ऐड करने से डोसे अच्छे क्रिस्पी और जालीदार बनते हैं। चलिए डोसा बनाते हैं। एक नॉनस्टिक तवा गरम करेंगे, हल्का सा तेल ऐड करेंगे। तवे का टेम्परेचर सेट करने के लिए कुछ बूंदे पानी के ऐड करेंगे। बैटर लेके अंदर से बाहर की साइड होते हुए पतला सा डोसा बना लेंगे। एक से 2 टीस्पून तेल डालेंगे। सभी साइड अच्छी तरह से तेल डालेंगे। पहले हम गैस की फ्लेम स्लो रखेंगे। कुछ सेकंड के बाद गैस की फ्लेम हम मीडियम टू हाई रखेंगे। अच्छी तरह से क्रिस्पी होने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना बढ़िया क्रिस्पी और जालीदार डोसा बना है। इसे देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि ये फराली है। इसे स्टफिंग और चटनी के साथ सर्व कर लेंगे।
आप चाहे तो स्टफिंग को डोसे के बीच में भी रख सकते हैं। अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।